दोस्तों मेरे पास वही सैमसंग का गैलेक्सी A03 फ़ोन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वॉलपेपर को आप किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले से एक वीडियो बना दिया हूं जिसमें मैंने बताया था कि आप मोदी जी का वॉलपेपर किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर ये जो वॉलपेपर है वह चेंज नहीं हो रहा है और जो ग्लेंस का ऑप्शन है वह नहीं आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप यह किस तरीके से कर सकते हैं और आप ये जो वॉलपेपर आपको बार बार दिखाई देता है आप सेट करते हैं और फिर दोबारा आ जाता है, तो इसे आप परमानेंटली किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास फ़ोन है वो यही सैमसंग का गैलेक्सी A03 फ़ोन है और इसमें कोई वॉलपेपर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपको मैं बार बार ऑन करके ऑफ़ करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि जो मैं आपको फ़ोन दिखा रहा हूँ इसमें वॉलपेपर नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था कि भाई आपने लास्ट में फ़ोन ही चेंज कर दिया है। तो भाई मैंने फ़ोन नहीं चेंज किया था, फ़ोन वही था, आप लोगों को देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो आप देख सकते हैं वही फ़ोन है और वॉलपेपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिसेंट में जाएंगे तो यह वॉलपेपर मोदी जी का और योगी जी का यहाँ पर वॉलपेपर दिखेगा। तो इसे भी यहाँ से तो आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप फ़ोन को लॉक रखेंगे इस तरीके से तो आपको वॉलपेपर नहीं दिखेगा। और यदि आप ऐसे खोल के अपना को मल्टीटास्किंग करेंगे, यूट्यूब वगैरह जो भी अपना काम करेंगे, उस समय भी नहीं दिखेगा। सिर्फ आपको जब रिसेंट में जाएंगे किसी भी एप्लीकेशन को क्लियर करने के लिए तब यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसको तो आप डिलीट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, लेकिन आप होम स्क्रीन से और लॉक स्क्रीन से वहाँ से हटा सकते हैं। इसको मैं चलिए पहले आपको रिसेट कर देता हूँ और रिसेट करने के बाद फिर दिखाता हूँ कि आप इसे किस तरीके से सेट कर सकते हैं।